हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ बादाम का हलवा। अभी मैंने सारे बादाम छील लिए हैं, ये देखिए छील के, और ये बादाम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ एचनिशा व्लॉग। तो गाइज, आज है 27 सितंबर 2022, और आज मैं फॉर द फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ बादाम का हलवा, क्योंकि आज सेकंड नवरात्र है। तो मेरा मन हुआ कि मैं कुछ कुकिंग करूँ, और उसमें मेरे को लगा कि मैं बादाम का हलवा ट्राई करूँ, इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैंने ये रात को बादाम भिगो के छोड़ दिए थे, और सुबह मतलब अभी इसको छील लिए हैं। छीलने के बाद ये ऐसे दिख रहे हैं, एकदम वाइट वाइट। और अभी सामान ले लिया मैंने, ये है देसी घी, शुगर, मिल्क, और ये मिक्सी का जार। और अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बादाम को पीसेंगे। अब ये डाल देती हूँ मैं सारे इसमें, पता नहीं कैसे बनता, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। मतलब ऐसे है कि नॉर्मल हलवा जैसे बनता है ना, मेरे को आता है, तो मैं सोच रही हूँ बादाम का भी उस टाइप से बना के देखती हूँ कैसे बनता है। ये सारे डाल लिए इसमें, इनको ना मैंने भिगोने के बाद में ये अच्छे से छिल ले जाते हैं, क्योंकि इनका छिलका आराम से इजीली निकल जाता है। तो इनको मैंने बाद में रोस्ट करा था, ताकि इसमें थोड़ी बहुत चिपचिप सी ना रहे। अब इसमें से थोड़ा मिल्क डालेंगे, मिल्क डाल दिया, और अब इसको पीस लेंगे। तो गाइज, अब हम देखेंगे कि कैसा हुआ है मिक्सचर। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये इस टाइप का हुआ है, मतलब एकदम बारीक नहीं हुआ। और अपने को एकदम बारीक नहीं करना, क्योंकि एकदम बारीक में ना इतना मज़ा नहीं आता, एकदम मतलब इनमें थोड़े दाने दाने रहने चाहिए। तो अभी इसको स्पून से हिला के देखते हैं कैसे बना। तो ऐसे देखिए, दिखाती हूँ इनका टेक्स्चर कैसा बना। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ऐसा बनना है। इसको हैंड से करके देखते हैं, ये देखिए स्मूथ स्मूथ दिख रहा है, और बिल्कुल हल्के बारीक दाने दाने से इसमें, जैसे सूजी होती है ना वैसे। तो ऐसा ही चाहिए था अपने को, मतलब बड़े बादाम ना रहे, और ये टेक्सचर अच्छा सा हो जाए। तो अभी हो चुका है, अभी हम गैस ऑन करते हैं। गैस ऑन हो गया, कढ़ाई पानी इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं, इसको गर्म होने देते हैं। अभी इतने हम क्या करेंगे, इसकी चाशनी बनाएंगे, ठीक है। चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक पतीला। तो गाइज, अभी मेरे याद आया कि मैं तो दूध वाला बनाने जा रही हूँ, तो उसमें तो चाशनी बनेगी नहीं ना। तो अभी मैंने डाल दिया है घी, ओहो लो फ्लेम पर डालना है, पूरा पूरा डालना है घी, थोड़ा सा भी नहीं बचने वाला। ये मैंने डाल दिया है घी, देखिए अभी अच्छे से पूरा मेल्ट हो जाता है पहले। ये रखिए, ठीक है ना, मिल सकते नहीं से दिखाते। तो गाइस, पहले इसको हम इस पर निकाल लेंगे प्लेट पे, क्योंकि फिर एकदम से डालेंगे ना एक साथ सारा, अदरवाइज आधा कच्चा आधा पक्का रह जाएगा। अब मेरे को हैंड से निकालना पड़ेगा।
तो गाइस अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा दूर होकर साफ साफ लगाना भी पड़ेगा इसको कम कर दो तो ये देखिए मैंने अभी इसमें डाल दिया है बादाम और अब इसको जब तक ये गोल्डन ना हो जाए तब तक इसको भूनना है। जब घी छोड़ना स्टार्ट कर दे इतनी इसकी ये बनना पकना प्यार हो जाता है और अभी इसकी इतनी मस्त खुशबू भी आ रही है। अभी मेरी सिस्टर है मेरे पास में तो उस वो भी बताएगी आपको कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बताना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आप ये स्पेशल मेरा बादाम का हलवा खाने के लिए आई है। ये निशा ने बनाया फर्स्ट टाइम कैसे बनाती है देखते हैं। अगर अच्छा बना तो मस्त तारीफ होगी पर बुरा बना तो दन्नू भी बोल रहा है कि बाहर तक खुशबू ही आ रही है हलवे की। मैं तो हलवा देख के पागल हुए जाऊँ निशा का बनेगा। हाँ मेरा जो छोटा भाई है और जो एक कज़िन है वो भी ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ हलवा खाने के लिए आए हम उनके हलवे तेरे हलवे की खुशबू मेरे को बाहर तक खींच रही है। पूरा कैसे ख़राब कर चुकी हूँ मैं पूरी स्लैब को। ये शुगर और ये इलायची जो कि मेरी बहन छील रही है मेरी हेल्प करा रही है। अभी हो चुका है थोड़ा थोड़ा गोल्डन बस अभी हम इसमें थोड़ा गैस को तेज कर देंगे। तो गाइस अब डाल रहे हैं हम इसमें मिल्क। ज़्यादा तो नहीं डालिया पता नहीं मैंने तो ऐसे ही डाल दिया बिना देखे जल्दी जल्दी। ओह शिट मुझे लग रहा है ज़्यादा डल गया दूध अभी इसको चलाना पड़ेगा। बादाम का हलवा की जगह पता नहीं क्या बन गया। नहीं आई थिंक हो जाएगा ये हिलाने से। मैंने बात करते करते कुछ ज़्यादा ही व्लॉग के अंदर ही मैं हो गई तो इसमें से अब थोड़े बबल से उठ रहे हैं तो थोड़ा गैस स्लो करना पड़ेगा। मुझे मिल्क कम डालना चाहिए था और मैंने बातें करते करते ज़्यादा डाल दिया पर पता नहीं अभी बन नहीं सकता मोबाइल का। तो गाइस मैं ऐसी टेंशन ले रही थी कि मैंने ज़्यादा मिल्क डाल दिया ये वो खराब हो गया लेकिन नहीं हुआ था खराब थैंक गॉड क्योंकि इतना तो मिल्क डलता ही है। ये बादाम का हलवा ना तो उस टाइम ये भी छोड़ रहा था ये तो ऐसे ही लग रहा था कि पानी पानी हो गया बट नहीं इसको अभी और पकाना था। पकाने से ये मतलब बहुत आता है गाढ़ा जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया और भी ज़्यादा पकना स्टार्ट हो गया। जब जैसे ये पूरी तरह पक जाएगा हम इसमें डालेंगे शुगर और जब ये पकने वाला होता है ना जैसे उस जिस टाइम मैंने डाला था इसके अंदर मिल्क उस टाइम इसमें बबल्स उठने स्टार्ट हो गए थे तो उससे बचना चाहिए। तो ये देखिए अब मैं लाती हूँ इसको और ज़्यादा ऐसे जोर 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 से अभी ये कितना इसका टेक्सचर ऐसे होता है देखो गाढ़ा। तो गाइस ये देखिए अभी हलवे की पूरी शेप आनी स्टार्ट हो चुकी है। थैंक गॉड मेरा हलवा ख़राब नहीं हुआ मेरे को लगा था आज तो गई मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ वो भी व्लॉग बनाते हुए तो हो गया सारा खराब बट नहीं
अब देखिए गाइस पहले कितना ज़्यादा लग रहा था, कढ़ाई भरी हुई लग रही थी, बट अब जैसे जैसे पक रहा है एकदम बन के तैयार हो रहा है वैसे वैसे कम होता जा रहा है। फिर आप देख पा रहे हो चिपका भी नहीं हुआ कढ़ाई के, एकदम साफ है, ऐसे ही छोड़ देगा। ये देखिए अभी हलवा बन के रेडी है, बस इसमें शुगर डालनी बाकी है। अब मैं शुगर डालती हूँ लो फ्लेम करके, ये थोड़ा है इसलिए इसमें थोड़ी डालेंगे, बस इतनी काफ़ी है। बादाम भी थोड़ा सा मीठे होते हैं, और ये है इलायची। ये देखिए गाइस कैसे इस हलवे का पूरा कलर चेंज हो चुका है। पहले एकदम वाइट था, एकदम वाइट, और उसके बाद में ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन सा हुआ, और अब ये शुगर डालने के बाद में कितना अच्छा हो रहा है। और आप ये वाइट वाइट देख रहे हो ना, ये मैंने जानबूझ कर देखा, क्योंकि अगर हम एकदम बारीक कर लेते ना तो इतना मस्त नहीं लगता ये हलवा, और लेकिन अब ये थोड़ा सूजी जैसे है ना, थोड़ा दानेदार, तो अच्छा लग रहा है। और दूसरा इसमें जो बड़े बादाम हैं वो मैंने जानबूझ कर छोड़े, क्योंकि हम कोई भी हलवा वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। अब बादाम के हलवे में मेरे ध्यान नहीं रहा था, मैंने सारे बादाम है वो भिगो दिए थे, तो भिगोने के बाद इनके छिलके उतर जाते हैं, तो मैंने बादाम बुझ कर थोड़ा छोड़ा ताकि पता लगे कि बादाम कर रहे हैं। देखिए गाइस कैसे ये हो चुका है स्मूथ एकदम, और खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मस्त खुशबू आ रही है एकदम। अभी कोई चाहे तो इसके अंदर केसर भी डाल सकता है, केसर से बहुत अच्छा बन जाता है, बट मैं केसर नहीं डालूँ। और इसके अंदर कोई डालना चाहे तो आटा या फिर सूजी वगैरह भी डाल सकता है, बट मैं ये व्रत के लिए बना लूँ तो आटा वगैरह नहीं डाल दूँ। देखिए भाई अब हमारा हलवा पूरी तरह से पक कर तैयार हो चुका है, अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद। ये देखिए हलवा बन चुका है, और अभी ये ठंडा होने के बाद में ना एकदम टाइट टाइट सा हो जाएगा, अभी ये इतना पतला दिख रहा है ना, लेकिन जैसे ही ठंडा होएगा ये थोड़ा जैसे बर्फ की टाइप से शेप में आ जाएगा। तो इसको मैं अभी बाउल में डाल के दिखाती हूँ आपको कैसा बना। ये डाल दिया मैंने, अभी मैं इसको पहले टेस्ट करवाती हूँ और रिव्यू लेती हूँ उनका कैसा बना। मैंने अब हलवा डाल लिया है और मैं सबसे पहले टेस्ट करवा रही हूँ मम्मी को, तो देखते हैं मम्मी को कैसा लगता है। मम्मी अब खा रही है, गर्म है, ध्यान से बहुत गर्म है। तो मम्मी ने अभी हलवा टेस्ट करा है और मम्मी अभी बताएंगे कि कैसा बना हलवा। मम्मी बताइए कैसा बना हलवा, सर सच बताना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सच में। ठीक है, तो चलो गाइस मम्मी का तो रिव्यू मिल चुका है, अभी जाते हैं मेरी दो कज़न और एक मेरा भाई है उससे रिव्यू लेने के लिए कि कैसा बना है। तो गाइस अब मेरा हलवा बन के हो चुका है रेडी, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। You're like a circle that flows.